क्वेश्चन नंबर 44, कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों से फाइंड करना है। चलो जी, हम फाइंड करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, क्योंकि अभी हम एक्सपेंडिचर मेथड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसमें सबसे पहली चीज जो हम लेते हैं दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1000। क्या बात है, वेरी गुड, फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 4000। फोर थाउजेंड बहुत ही बढ़िया। कौन से नंबर पे दिया हुआ है? 11। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 100 दे रखा है। जवाब चाहिए था मुझे कि सर नेट दे रखा है, ग्रॉस नहीं दे रखा। हमें क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 650, सातवें नंबर पे। अच्छा, क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दे रखा है क्या? वेरी गुड। हमारी नेशनल इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस 50 और माइनस एनआईटी। एनआईटी कितनी है? 500। नफिया दे रखा है 9वें नंबर पे और एनआईटी दे रखा है 10वें नंबर। माइनस किया, आंसर क्या आ गया? 5000। इस क्वेश्चन में हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा था, कितना था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? 1000। ऋषभ बेटा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है? यस सर, 4000। 4000 बेटा, क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है? नेट दिया हुआ है सर, 500। कितना बेटा? 500। नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ बच्चे? यस सर, 50। माइनस 50। माइनस 50, माइनस 50। इन्हें सम करो तो कितना आता है? 5450। और इसका टोटल क्या होगा, एनडीपीएमपी की जीडीपीएमपी? एनडीपीएमपी। एनएनपीएफसी जाने के लिए बच्चे क्या करेंगे? नेट से नेट कुछ नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस नफिया, और एमपीएफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी। क्वेश्चन में नफिया दिया हुआ है -30, एनआईटी दिया हुआ है 300 लास्ट नंबर पे, तो 30 भी माइनस होना है और -300 मतलब ये 300 भी माइनस होना है, तो 5120 आ गया। कोई डाउट बच्चे? वो सर मैंने, चलो बच्चे सबसे पहली चीज क्या लेते हैं आने का? सर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है बेटा इस क्वेश्चन में? 600। अगली चीज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कितना है बेटा? 2000। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्या लेते हैं बेटा? नेट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है वो क्वेश्चन में? 400। यस, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। फिर नेट एक्सपोर्ट, बेटा नेट एक्सपोर्ट दिया होगा क्वेश्चन में? यस सर, 20। इनको प्लस करके आएगा एनडीपी एंड एमपी, कितना आया बेटा टोटल? सर एक सेकेंड सर, 3020।
प्लस नफिया करना पड़ेगा और माइनस एनआईटी। नफिया कितना है बेटा क्वेश्चन में? -20। एनआईटी कितना है बेटा क्वेश्चन में? 400। क्या आंसर आएगा बच्चे? 2600। यही आंसर है बेटा? यस सर। क्लियर है? अच्छा मैंने आपको पॉइंट आउट नहीं करा, मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कराया ताकि आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है? यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 41 करो, आंखें खोल के देख लेना बेटा क्या निकालना है, कुछ और मत निकाल दे। चलो स्टार्ट। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 450। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450, चलो आप कह रहे हो तो मैं मान रहा हूँ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? सर ये 900। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? तो फिर 280 नेट डोमेस्टिक कैपिटल। चलो ये भी मैंने आपकी बात मान ली। नेट एक्सपोर्ट कितना है? -30। इनका टोटल कितना हुआ? 1750। हाँ 1750 नहीं, 900, 1450 और ये हो गया 1350 और 250, ये 1600 हुआ टोटल। ये पहली तो ये गलती, ये आया एनडीपीएमपी, तो मैं क्या चाहिए जीएनपीएमपी, तो प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नफिया। डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में? 120। नफिया कितना है? इसमें -20। आ गया आंसर? नहीं, तब भी नहीं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900, फिर उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये होगा 180 प्लस 50 230। ओके, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250 है, ठीक है? अगर उससे निकालेंगे तो फिर 20 डेप्रिसिएशन निकलेगा, वो नीचे माइनस करना पड़ेगा। फिर नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इम्पोर्ट दिया तो -30 हो जाएगा, ठीक है? 900, 14, 13, 1500 आ गया आपका एनडीपीएमपी प्लस नफिया माइनस एनआईटी। नफिया -40, एनआईटी 100, 1360 आ गया। सर इन क्वेश्चन को हम क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से निकाल सकते हैं? हाँ सर, इसमें डेप्रिसिएशन तो देंगे दी हुई है, आंखें खोलनी पड़ेंगी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250 और नेट एक्सपोर्ट -30, ठीक है? टोटल आ जाएगा 1520। जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन पता कैसे निकलेगी? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक करूंगा तो 230 आएगा, और वो 230 क्या होगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है 250, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है 230, तो इनके बीच का डिफरेंस हुआ 20। डेप्रिसिएशन ग्रॉस माइनस नेट डेप्रिसिएशन होता है, प्लस नफिया -40 माइनस एनआईटी यानी 100, तो ये मेरा आ गया 1360 एनएलपीएफसी। किसी भी मेथड से करो आंसर।